Good afternoon, friends. A very warm welcome to all of you on this platform of GS Score. And my name is Ketan Garg. I am from Rajasthan state of India. I got 93 rank this year in Civil Service Examination 2017. And last year my rank was 367 in 2016. Maine apni journey start ki thi kareeb जून फर्स्ट वीक से 2015 से और 3 साल के टाइम स्पान में 2 बार इस एग्जाम को क्रैक किया है सक्सेसफुली. होपफुली आई विल गेट प्रॉपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिस ईयर. तो 3 साल की जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो ये जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली नॉलेज का है, नो डाउट. लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंस का, कॉन्फिडेंस का और परसिवियरेंस का एग्जाम है ये. एक हमारे यहाँ एक जनरल एक ट्रेंड हम लोगों ने एनालाइज किया है. एग्जाम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस रेशियो या फिर सक्सेस के चांसेस एंड दिस नॉलेज ग्राफ कुछ इस तरह का है. व्हेन यू आर एट ऑप्टिमम लेवल ऑफ नॉलेज there are maximum chances of getting success. कम knowledge भी definitely harmful है और ज़्यादा knowledge भी harmful होती है. session के beginning में मैं 2 questions put up रखूँगा आपके सामने और session के last 3 questions के answer हम discuss करेंगे. The first question is for police purpose. What is the color of blood inside the body? Inside is a key term and your options are red, blue, white and 4th one is nota, that is none of the above. White, all of you know, it is a combination of vibgyor. Aapko just answer sochna hai, apna last mein discuss karenge answer. This is for PT purpose, prelims purpose, and for mains purpose. There is very easy question. Question is reasons of poverty in India. India mein garibi ke kya kya reasons hain? Very easy and very comprehensible question. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे test exam competence का है, confidence का है और aptitude का है. इस सेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एग्जाम के साथ. इसके लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कंटिन्यूअसली जॉब में था जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, सिंस जून 2015. 3 साल तक मैं कंटिन्यूअसली जॉब में था. आई वॉज इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. उसके बाद राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी मेरा सिलेक्शन हुआ RAS में, तब भी मैं जॉब में रहा लगातार. उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ और अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में. तो ऐसा नहीं है कि जॉब सीकर्स के लिए या जो लोग जॉब में ऑलरेडी उन लोगों के लिए एग्जाम टफ है. ये एग्जाम सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बस आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है. सेकेंड चीज जो मेरे साथ है, क्लास 10 तक या क्लास 12 तक ऑलमोस्ट आई वॉज इन हिंदी मीडियम. उसके बाद मैंने अपने मीडियम स्विच ओवर किया, इंग्लिश मीडियम में इस एग्जाम को अपियर हुआ मैं. तो मीडियम भी कहीं भी बैकग्राउंड आपका रूरल बैकग्राउंड कहीं भी इस एग्जाम में आपको डिमोटिवेटिंग फैक्टर कहीं नहीं होता है. देखो कैसे. सबसे पहले वो लोग जो जॉब में हैं या फिर कहीं बिजी हैं, अपने फाइनल ईयर्स में हैं, एग्जाम में हैं, या जिनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, कुछ चीजें उनके लिए हैं जो मस्ट डू हैं. द डेट ऑफ एग्जाम्स इन 2015 प्रीलिम्स वाज 23rd अगस्त. And on 17th August, I lost my mother. सिर्फ 7 दिन बचे थे एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए. जून में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, यानी कि सिर्फ 2 मंथ्स की मेरी प्रिपरेशन हुई थी फ्रॉम स्क्रैच. और 7 डेज पहले सेटबैक हुआ मेरे साथ. लास्ट के टाइम के लिए मैंने सारे करंट अफेयर्स छोड़े हुए थे अपने, क्योंकि जनरली होता है प्रीलिम्स से पहले लास्ट में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं. तो वेरी टफ टू शेयर, लेकिन 12 दिन मदर की वो बिजी हुए पूरे नहीं हुए थे.
उसके बावजूद मैंने एग्जाम में अपीयर होना डिसाइड किया, एग्जाम में गया, मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और फाइनली उस दिन नहीं तो कम से कम आज मुझे उसका रिजल्ट मिला है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने जीएस की कोई रेगुलर कोचिंग कभी अटेम्प्ट नहीं करी, कोई भी कोचिंग मैंने कहीं नहीं करी। डेफिनेटली टेस्ट सीरीज करी है, सर से गाइडेंस लिया है, काफी कुछ किया है, लेकिन कोचिंग में नहीं कर पाया ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज इन जॉब, तो मैं मैनेज नहीं कर सकता था। और उस टाइम पे 2015-16 में इतने ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस के जो आज अवेलेबल है हम लोगों के सामने। ऑप्शनल की मैंने कभी कोचिंग नहीं करी, माय ऑप्शन वाज एंथ्रोपोलॉजी एंड आई वाज ऑल इंडिया टॉपर इन 2016 एंड आई गॉट 329 मार्क्स, दिस ईयर आई गॉट 324 मार्क्स, तो ओवरऑल मेंटेन द रेशियो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने ऑप्शनल की भी कहीं कोचिंग अटेंड नहीं करी, एक जगह की थी लेकिन आई कैन नॉट नेम दैट कोचिंग, लेकिन वहां मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, मेरे पास लीव्स भी बहुत कम थी और एक महीने बाद मैं वापस घर आया और घर पे रहकर सारी प्रिपरेशन करी है मैंने। तो सबसे पहले ये चीज एकदम क्लियर कर लो कि अगर आप मेंटली फिजिकली इमोशनली तैयार हो उस एग्जाम के लिए, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नॉलेज, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कमस्टांसेस। इसलिए मोटिवेशन लेवल हाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मोटिवेशन लेवल हाई है तो एग्जाम को क्लियर करना काफी आसान होगा, कम से कम आपके लिए चीजें एनेबलिंग होगी। एक मैं लक फैक्टर पे एक लाइन डालना चाहता हूं यहीं पे साथ में। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसी ने पूछा था डॉक्टर राधाकृष्णन से कि इंसान की जिंदगी में लक का क्या रोल होता है, वाज़ ए लक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन और नॉट। तो राधाकृष्णन जी ने जवाब दिया कि जो कार्ड्स का गेम होता है, ताश का गेम होता है, उस कार्ड्स के गेम में आपको कौन से कार्ड्स अलॉट हुए वो आपका लक है, और उन कार्ड्स का यूज करके आप कैसे बाजी जीत रहे हो वो आपका कर्म है। तो हमें इस फैक्टर पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, इसलिए हमें इस चीज के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे करने तक है, हमारे काम करने तक है, हमारी मेहनत तक है, हमें सिर्फ वहां पर फोकस करना चाहिए। कुछ चीजें जो मैं बता रहा था आप लोगों के लिए, सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या लोग जो जॉब में हैं, इवन जो लोग यहां पे रहकर कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर जॉब गोइंग पर्सन के लिए 10 to 6 PM का रेगुलर काम होता है, जनरली ऑफिस में अटेंड होता है, 8 घंटे का काम होता है। अगर आप इस काम के अलावा 2-3 घंटे इधर और 2-3 घंटे इधर निकाल लेते हैं, ओवरऑल 4-5 घंटे आप निकाल लेते हैं, प्लस कैसे भी करके 1-1.5 घंटे का ऑफिस का टाइम अगर आप मैनेज कर पाए 6 hours daily, तो एग्जाम काफी इजी है। बस कुछ नहीं करना है आपको, अपनी रूटीन को थोड़ा इस तरह से सेट करना है कि आप टाइम को कैसे ना कैसे निकाल लें। इस 1-1.5 घंटे में आप क्या काम कर सकते हैं, कुछ लाइव चीजें जो लो फोकस वाली एरियाज होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, उन एरियाज को फोकस करके ये टाइम, प्लस वीकेंड्स। वीकेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन जिंदगी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन बनने वाले हैं जब आप तैयारी कर रहे हो। इन 2 दिनों में आप वो चीजें कवर कर सकते हो जो आपने यहां कवर नहीं की है किसी भी वजह से। ये 2 दिन अगर आप 8-10 घंटे में निकाल लेते हो डेली के, या अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जितना आप रेगुलरली कंफर्ट इजीली पढ़ाई कर सकते हो वो अगर कवर कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो 1-1.5 साल का है पूरा एग्जाम है ये। अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं कि लास्ट 2.5 years में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली तो, लेकिन सिर्फ एक पद्मावत मूवी को छोड़ के मैंने पिछले 2-3 साल में कोई मूवी नहीं देखी ढंग से। कुछ मैं सीन्स देखता था मोटिवेशन के लिए, कुछ मूवीज के कुछ सीन्स मुझे पसंद थे वो मैं देखता था, लेकिन कभी भी मैंने फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एक इस मूवी को छोड़ के कोई मूवी नहीं देखी। ये मूवी भी मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस से देखी थी क्योंकि काफी न्यूज में चल रही थी, और एक्चुअल में दिस ईयर इन 2017 आई वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस 2-3 questions ऑन दिस मूवी। तो लक फैक्टर यही होता है, जब आप कोई चीज सच में कर रहे हो और आपको पता है कि मैं सिर्फ उस फोकस के लिए वो काम कर रहा हूं, तो सारी चीजें, सारी जो ईश्वर होता है वो आपको हमेशा साथ देता है उस चीज में।
मतलब 3 घंटे भी मैंने एंटरटेनमेंट में निकाले हैं, तो उससे भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ लिए गए. तो दिस वाज आई प्रूव्ड द वेरी फैक्टर ऑफ माय प्रेजेंस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैनेज करना वीकेंड्स को. वीकेंड्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सैटरडे संडे, कम से कम जॉब वालों के लिए. सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज अ टाइम मैनेजमेंट. सेकेंड थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम मनी. जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मनी कभी ना कभी जाके एक फैक्टर बन जाता है. ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. आपको सैलरी मिलेगी, फिर आप जब छुट्टी लोगे तो आपकी सैलरी लॉस भी होगा, हो सकता है कुछ और भी रिपरकशन आ जाए. इससे कभी भी आपको खुद को अटैच नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन. अगर आपने खुद से इसको डिटैच रखा तो जॉब से भागने में, सो कॉल्ड भागने, छुट्टी लेने में, उन सब चीजों में काफी हेल्पफुल रहता है आदमी. क्योंकि अगर रेगुलर सैलरी आ रही है, अगर एक महीने भी नहीं आई तो उसको बड़ा डिमोटिवेशन फील होता है. थर्ड थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी. सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर दोगे, लोगों से मिलना बंद कर दोगे, लेकिन उतना करो जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो बस. जो चीजें सच में यूपीएससी में हेल्पफुल हैं सिर्फ उतना ही करो. माँ बाप तक, अपनी न्यूक्लियर फैमिली तक. आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम मेकिंग यू सोशल इंटरेक्शन वाइडर, लेकिन एक दो साल का फेज है बस ये. अगर इसमें आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लोगे तो आपका जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, और वो डायरेक्शन है यूपीएससी. बस आपको सोचना है आपका कोई भी काम इस चीज में फायदा या नुकसान देगा कि नहीं. आपको जो काम इसमें फायदा दे वही करो, जो इसमें नुकसान दे उसको छोड़ दो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द सोशल मीडिया. अभी आप एक मैसेंजर डाउनलोड करो, लॉट्स ऑफ मैसेजेस यू विल गेट. एक कोई प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं आपके. तो दिक्कत इस टाइम क्या है, जैसे भी सर से डिस्कस हो रहा था मेरा, तो दिक्कत क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज. एक चीज को बताने के आपके पास हजार तरीके, हजार सोर्सेज है, उनको रिस्ट्रिक्ट करना है आपको बस. मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, सोशल मीडिया का रोल क्या है नॉलेज को देने में सोसाइटी को, और उनका बुक से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है, ये सही बात है या नहीं है. तो मैंने बोला कि सर डेफिनेटली बुक से कॉम्पिटिशन हो रहा है, लेकिन स्टिल आज भी बुक्स ऑथेंटिक और रेलेवेंट सोर्सेज है. सोशल मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका सिर्फ आप उतना ही यूज करो जो एक्चुअल में यूपीएससी में फायदेमंद है. व्हाट्सएप, फेसबुक, ये कहीं भी कोई भी चीज मुझे नहीं लगता यूपीएससी में फायदा देने वाली है. एंड लास्ट थिंग, मेरा कहीं बच्चों से इंटरेक्शन भी हुआ था तो मैंने उनको बताई भी थी ये चीज, काफी थोड़ा अजीब है ये चीज लेकिन है सच. आपके वॉशरूम के 10 मिनट्स, आप जब टॉयलेट जाते हो, दिन में 2 बार जाते हैं जनरली हम लोग, एक बार नहाते हैं, 2 बार वॉशरूम जाते हैं, एक जनरल पैटर्न है. टोटल हम 30 मिनट निकालते हैं इसमें जनरली पर डे. लास्ट 6 मंथ्स का अगर हम कैलकुलेट करें 180 डेज का, तो 1800 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, करीब 30 घंटे सिर्फ 6 महीने के 30 घंटे हम वॉशरूम में निकालते हैं. और ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं लिटरली. देखो, आपको करनी यूपीएससी है तो आप जो भी करो उसके लिए करो ना. किसी चीज को टच क्यों करना है, आपको छोड़ना क्यों है. फटाफट से करके निकलो एग्जाम. 2 साल में 3 साल में मरना है, जीना है तो सिर्फ इसके लिए जीना और मरना है. दिस इज अ फोकस. इस चीज को भी यहां यूज करो. कैसे कर सकते हो, मोबाइल लेके जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, या फिर जब आप नहा रहे हो तो उस टाइम तो कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते फ्रेश, लेकिन आपने जो पढ़ के आए हो आप रूम से बाहर निकल के, वो रिवाइज तो कर सकते हो. इस एग्जांपल से बस मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि आपको टाइम को कहीं वेस्ट नहीं करना है. दिस इज द मैक्सिमम दैट वी कैन डिलीवर. इसके बारे में सोचोगे तभी डिलीवर कर पाओगे. कोचिंग से घर, ऑफिस से घर, या कहीं आ जा रहे हो तो हेडफोन्स होते हैं हमारे पास, हेडफोन्स का यूज करो. न्यूज ऑन AIR, हर एक को पता है मीडियम क्या क्या सुनना है, उनको क्यों गाने सुनने हैं. अगर 2 साल हम गाने नहीं सुनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है इसमें कुछ फायदा मिल जाए हमें. दीज आर द की एरियाज जो ये एग्जाम डिमांड करता है. पढ़ते सब लोग हैं, सब लोगों को पता है क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर चीज को पता है. लेकिन जिसने इस लेवल का डेडिकेशन दिखा दिया उसके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाता है. ईश्वर कहीं ना कहीं उसकी सहायता जरूर करता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डील विद. इसके बाद
होता है रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड, आप रिस्क कितना ले सकते हो। देखो जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ये एग्जाम आपको रिस्क लेना ही सिखाता है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, सपोज पीटी के 100 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है 30-35 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जिनका आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं आंसर्स पढ़ते हो, किसी कोचिंग के मटेरियल में, बुक्स में, जो डायरेक्टली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डील होते हैं। कट ऑफ करीब जाता है 60-70 क्वेश्चंस का, जनरली 60 ले लेते हैं अपन, 60 क्वेश्चंस का। तो बाकी के जो 20-25 क्वेश्चंस हैं वो ये वाले होते हैं, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट आंसर, लेकिन जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनसे नॉलेज गैदर करनी है, उसको आंसर करना है। दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज। अगर आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, तो आपका सिलेक्शन भी कभी नहीं होने वाला, क्योंकि 100 में से अगर आप 50-60 क्वेश्चन से डील करके आओगे और बाकी के 20-25 क्वेश्चन छोड़ दोगे ये सोच के कि पता नहीं मुझे इसका कंफ्यूजन है सही है गलत है, तो डेफिनेटली 50-60 अटेम्प्ट करने से तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होने वाला है, इसमें नेगेटिव भी जाएंगे आपके, कट पिट के 30-40 के मार्क्स चले जाएंगे करीब। इनको डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, इनको डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे भी करके आपको नॉलेज गैदर करनी है, जो आपकी नॉलेज इनसाइट है उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था नीति आयोग का, कि नीति आयोग जो है उसका बजट कुछ 4 लाख करोड़ रुपीज है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे वर्बेटिम याद नहीं। हमें ये पता है कि नीति आयोग का फाइनेंशियल फंक्शन खत्म हो चुका है, प्लानिंग कमीशन का था पहले जो नीति आयोग का नहीं है। हमें यह भी पता है कि इंडिया का जीडीपी करीब 150 लाख करोड़ है और सिर्फ उनमें से 4 लाख करोड़ हम सिर्फ नीति आयोग को नहीं दे सकते, नीति आयोग वर्चुअली पावरलेस बॉडी है वर्चुअली। तो डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन के लिए नॉलेज को यूज किया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं काम आई है। ऐसे ही कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के पेपर में, जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको भी, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी। इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए जरूरी है टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना। अगर आप सोचते हो कि ऑन द वेरी डे यू विल डील द क्वेश्चंस, यू कैन नॉट डील एट ऑल। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि उन क्वेश्चंस को मैं कैसे अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 50-60 से बढ़ा के 80 तक लेके जाऊं, 85-90 तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेके जाऊं फॉर पीटी। उनके लिए बहुत जरूरी है टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। अगर आप 2-3 पेपर भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मेरा पर्टिकुलरली गलत क्यों हो रहा है। टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस करोगे, आपने सपोज 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 100 में से जनरली एक एवरेज स्टूडेंट के 40 मार्क्स आते हैं, 100 में से 40 आते हैं, तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे 100 में से 40 आ रहे हैं, मेरे 60 नहीं, बाकी के 60 गलत हो रहे हैं, मेरा पीटी कैसे क्लियर होगा। हर क्वेश्चन के गलत होने का खुद का एक रीजन होता है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन सेम चीज की वजह से गलत हो। कुछ में हो सकता है नॉलेज नहीं है आपको, नॉलेज डेफिसिट हो सकता है, कुछ में आपने ज्यादा एनालिसिस कर लिया हो। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन से मुझे लगा कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है, नॉर्मल गैस लगता है कि ऑप्शन ए सही है, कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर देखते हैं कि बाकी ऑप्शन देखने में क्या दिक्कत है, देख तो लेते हैं एक बार। तो फिर बी को देखा, बी को देखते देखते थोड़ी देर बाद बी सही लगने लग गया, ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम ए को भूल गए और कंफ्यूजन हो गया दोनों में, कंफ्यूजन हो गया, गोला मारा, आगे बढ़ गए, सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे उसको। जब सेकेंड अटेम्प्ट में उसको ट्राई करने के लिए आए तो फटाफट से देखा, रह रहा है यार कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, बी को मैं टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। घर आके देखा बी गलत हो गया, आंसर क्या था, ए। ऐसा क्यों होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, और मैंने कहां पढ़ा था, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पढ़ा था, जब मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन सही है। तो ओवर एनालिसिस से भी कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डील किया था, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, ये मैंने कुछ क्लासेज में ओरिएंटेशन हुआ था बच्चों से, तो कुछ ने रेड आंसर दिया, कुछ ने नोटा आंसर दिया, कुछ ने ब्लू आंसर दिया, कुछ ने व्हाइट आंसर दिया, इसका आंसर रेड ही है। इनसाइड द बॉडी क्वेश्चन आने से ब्लड का कलर चेंज नहीं होगा। यूपीएससी एग्जाम सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत होती है। सच में मतलब सर गलत हुआ है बच्चों का आंसर, बच्चों ने नोटा दिया, मैंने उनसे पूछा कि नोटा क्यों है, सर मुझे लगता है ग्रीन है, मुझे लगता है वो है ये है। ताजमहल तो आगरा में ही रहेगा, अगर यूपीएससी में आएगा तो भी आगरा में ही रहेगा। तो ये सिर्फ ओवर एनालिसिस की वजह से गड़बड़ होती है। इन क्वेश्चन को आप कम कर सकते हो टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करके,
अगर टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम गलती नहीं होगी, ये दूसरी चीज है। तो टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 15-20 डेज ही है। तो जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवाइज करो, मैक्सिमम रिवाइज करो, सोर्स कम रखो एकदम, लिमिटेड सोर्सेस। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, कम से कम अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो 3-4 पेपर्स प्रैक्टिस कर लो। अगर वीक में एक भी करोगे तो अभी 3 वीक है अपने पास, तो 3 पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें से थोड़ा देखो, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, और ऐसी गलतियों को करना कम कर दो थोड़ा, ये चांसेस होते हैं लेने के। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो हर बच्चे को इक्वली प्लेस करता है। अगर मैं भी दोबारा पीटी दूंगा तो कोई गारंटी नहीं है मेरा पीटी क्लियर हो जाए एग्जाम। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं, टीनेडा भी, मैं उनका आपने सुना होगा, उनका पीटी सिर्फ 1 मार्क से क्लियर हुआ था, और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स है, क्योंकि पीटी रिजेक्शन वाला एग्जाम है, वो बच्चों को हटाता है, मैं भी सिलेक्ट करता है। तो जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश स्टूडेंट्स हो, वो सबको कम से कम बराबर लेवल पे प्लेस करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीटी में आप लोग भी उतने कॉम्पिटेंट है जितना मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है? तो पीटी से घबराना नहीं है, बस पेपर्स की प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम रिवाइज करो। देन मेंस में 2 पेपर में थोड़ा बता देता हूं आपको, GS2 और GS3। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं करी जीएस की, तो मेरे लिए बिल्कुल अलग था इन पेपर्स को डील करना, मुझे कुछ पता भी नहीं था इनके बारे में ज्यादा। GS1 तो मोर लेस पीटी वाला होता ही है, GS1 में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, सोसाइटी पढ़ते हो, तो काफी चीजें सिमिलर है। GS1 को आप पीटी की नॉलेज से थोड़ा बहुत डील कर सकते हो। GS2 और 3 में मैं जॉब में था और मेरे पास सोर्सेज भी नहीं थी पढ़ने के, क्योंकि कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए इसको इन दोनों को डील करना मेरे को थोड़ा, मैंने अलग तरह से डील किया है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इससे पहले एक चीज बताता हूं आपको, मैंने 2016 में एग्जाम दिया था मेंस का, एग्जाम की स्टार्टिंग डेट थी 3rd December, और आपको ये डेट याद होगी इंडियन हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 8 नवंबर वाली, जब अपने प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया था, और आई वॉज वर्किंग एज ए इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इसको डील करने के लिए की पोस्ट थी। तो सर लिटरली हम लोग 15-20 डेज तक बैग लेके रोड पर भाग रहे थे, मेरा एग्जाम 1 महीने दूर है और मैं फील्ड में भाग रहा हूं अपनी सारी पढ़ाई को छोड़ के, इतना बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन आ गया था दिमाग में, लग रहा था कि इस बार तो मेरा घर को जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं। 24-25 नवंबर तक हम ऐसा करते रहे, 24-25 नवंबर को मैंने बॉस से कहकर कैसे भी करके मैनेज किया, लीव वगैरह ली, हार्डली 10 दिन बचे थे मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि ये 10 दिन ही सही, जो भी है इसमें जान लगा देनी है मेरे को मेरी। तो मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं कि GS2 और 3 में मैंने इन दिनों में क्या किया, सिर्फ 10 दिन में मैंने GS2 और 3 की प्रिपरेशन करी है। मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जितनी मैंने इनपुट दी है उसके कंपेरिजन में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं जितना मुझे लगता है। एक प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी का, बिग पिक्चर। GS2 और 3 है क्या है, GS2 और 3 इंडिया के करंट प्रॉब्लम्स का एक सिलेबस दे दिया गया है, बस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को एक सिलेबस दे दिया गया GS2 और 3 में। राज्यसभा टीवी बिग पिक्चर इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने क्या किया, लास्ट के 10 दिन में इसके करीब 300-400 वीडियोस मेरे पास अवेलेबल थे, ये डेली प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी पे, 300-400 लास्ट एपिसोड्स मैंने डाउनलोड करे, 5-6 दिन बैठ के हर एक एपिसोड पे, एक इसका एक एपिसोड एक टॉपिक होता है, जैसे कि इन्होंने कोई टॉपिक लिया एजुकेशन वाला, तो एजुकेशन का टॉपिक यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उस पर 11 घंटे का एपिसोड होगा, फिर इकोनॉमी का कोई टॉपिक लिया, एग्रीकल्चर का लिया, उस पर कोई ना कोई एपिसोड होगा इसका, तो सारे टॉपिक्स के मैंने 5-6 दिन में बैठ के नोट्स बना लिए सिर्फ वीडियो सुन सुन के। इस टाइम पे ये नोट्स जो मैंने हाथ से बनाए हैं, तो आप जब कोई चीज लिखते हो ना तो आपकी वो चीज दिमाग में भी एंटर करती है, अगर आप थोड़ा ध्यान से लिख रहे हो तो। एज इट इज मैंने नोट्स पेपर में रिप्रोड्यूस करे, एज इट इज काफी सारे क्वेश्चन फंस गए थे इसमें से, हार्डली मतलब 20 क्वेश्चन में से GS2 थे, में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें से डील नहीं हुए, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स। और मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं आपको सोर्स तक, ऐसा नहीं है कि यही एक सोर्स है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहते हो तो चीजों को करने की कमी नहीं है। इन चीजों से मैंने नोट्स बनाए, इनको मैंने एग्जाम में प्रोड्यूस किया और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया।
नोट्स बनाने का एक फॉर्मेट मैंने देखा था, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी. बॉडी में कुछ चीजें पॉजिटिव साइड में, कुछ चीजें नेगेटिव साइड में. पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, एडवांटेज भी बोलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी बोलते हैं, कई बार ये सॉल्यूशन का पार्ट भी होता है. नेगेटिव साइड में क्या क्या है, चैलेंजेस, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था पॉवर्टी वाला, रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. चैलेंजेस क्या क्या हैं, या फिर उसका कुछ भी मतलब नेगेटिव साइड क्या क्या है, हाँ रीजंस क्या हैं, यस. तो ये हम इसमें थर्ड पार्ट हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाएगा, लेकिन ये पार्ट आपको बाकी बच्चों से एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवाएगा, ये वो वाला पार्ट है. और लास्ट में कंफ्यूजन. ये मेरा जनरल फॉर्मेट था, 99% केसेस में एप्लीकेबल था ये फॉर्मेट. इंट्रोडक्शन में जैसे कि पॉवर्टी, तो आप कोई फैक्ट डाल सकते हो, पॉवर्टी का डेटा इंडिया में इतना है, या फिर कोई कमेटी की रिपोर्ट है उसका नाम डाल सकते हो पॉवर्टी में. बॉडी में क्या होगा, पॉजिटिव साइड में क्या है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये पहले लिखना होता है, रीजंस पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे. तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था, रीजंस ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है, जनरली बच्चे बताते हैं हेल्थ इज अ रीजन. बिल्कुल हेल्थ एक रीजन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है. एजुकेशन एक रीजन है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी. अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, ठीक है, काफी सारी रीजन है. पॉपुलेशन एक रीजन है, ये रीजन जनरली बच्चे बताते हैं. जीएस पेपर 2 और 3 में किसी भी चीज को मल्टी डायमेंशनली कवर करना इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है. एक जब सिविल सर्वेंट होता है वो सोसाइटी में काम करता है, तो वो सिर्फ ज्योग्राफी से डील नहीं करता, वो सिर्फ हिस्ट्री से डील नहीं करता, वो सोसाइटी से भी डील करता है, इकोनॉमी से भी डील करता है, वो हर चीज से डील करता है. जीएस पेपर 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव है एक टॉपिक को सारी डायमेंशन से कवर करना. कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कुछ चीजें तो आपके दिमाग में नेचुरली होंगी, ये रीजन जनरली होते हैं. फिर आपके पास अगर पॉइंट्स कम पड़ गए हैं, तो आप अपना सिलेबस याद करो, जीएस पेपर 1 से स्टार्ट करो. जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है, पॉवर्टी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस भी होंगे. हिस्टोरिकल रीजन क्या हो सकता है पॉवर्टी का, हमारा कॉलोनियल पास्ट. जो देश 50-60 साल पहले आजाद हुआ है वो एकदम से अमीर तो नहीं हो सकता. जब हम आजाद हुए तो हमारी लिटरेसी कितनी थी, 32%, 16%. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32 ईयर्स. ऐसी कंडीशन थे, अंग्रेज हमको छोड़ के गए थे. इस कंडीशन में पॉवर्टी है ना, तो लाजमी है. हिस्ट्री के बाद तो क्या क्या है, जीएस ऑप्शन, जीएस 1 में ज्योग्राफी है, डेफिनेटली ज्योग्राफी रीजन है. कैसे, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं. ज्योग्राफी भी हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है पॉवर्टी को हटाने से, तो इसका एक रीजन ज्योग्राफी भी है. सोसाइटी भी एक रीजन है डेफिनेटली. जीएस पेपर 1 में सोसाइटी भी आता है. शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ओल्ड एज पीपल है, वो सब एक सोसाइटी का रीजन है. वुमेन है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी का. जीएस पेपर 2 में क्या क्या आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. स्कीम्स में प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है तो वो भी पॉवर्टी का रीजन होगा. जीएस पेपर 2 में और क्या आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी शायद इसी में है. तो डेफिनेटली कई बार जैसे कि 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो उसकी कंडीशंस की वजह से हमने एलपीजी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो हमारा एमएसएमई सेक्टर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, वो भी पॉवर्टी का रीजन है. जीएस पेपर 3 में क्या आता है, इकोनॉमी आती है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंस, 50% डिपेंडेंस हमारे पॉवर्टी का एक रीजन है. इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, सेंट्रल इंडियन रीजन है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वो सभी क्या है, पॉवर्टी के रीजन हैं सब. तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायमेंशन घुमानी है. कुछ चीजें आपको पता होंगी, बाकी चीजों में आपको सिलेबस याद रखना है. कम से कम सब्जेक्ट तो हमको याद होना ही चाहिए. जितना एप्लीकेबल होता है उतना अप्लाई कर दो. 10-12 पॉइंट यहां बन जाएंगे, 10-12 पॉइंट यहां बन जाएंगे. और 10-12 तो लिखने भी नहीं होते, 5-6 में काम हो जाता है, 5-6 इधर और 5-6 उधर. मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम डायमेंशंस, मैक्सिमम थॉट प्रोसेस. इसके बाद वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, कोई डेटा है वो डाल सकते हो, कोई भी मतलब एक नॉर्मल पाई चार्ट बना सकते हो. जैसे पॉवर्टी का रीजन क्या होगा, एक आपने वुमेन एम्पावरमेंट का डायग्राम बनाया, इधर पॉवर्टी दिखानी है आपको, तो कैसा ग्राफ होगा इसमें, रिवर्स वाला, ठीक है ना. कोई भी ग्राफ नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो उसमें. कंक्लूजन कैसे होगा, एक दो लाइन में, एज ए डॉक्टर, पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक. अगर हम फ्यूचर में ये काम करेंगे तो इससे ये होगा, पॉवर्टी हटेगी, सोशल इंक्लूजन होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा. बस एक दो लाइन में बड़ी बड़ी बातें. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ आंसर जीएस पेपर 2 और 3 के लिए. कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो,
मैंने ये सोर्स फॉलो किया था, ये भी अच्छा सोर्स है। इसमें बस एक फायदा ये है कि पैनल डिस्कशन होता है तो चार पांच लोग पॉजिटिव साइड में, दो तीन लोग पॉजिटिव साइड में बोलते हैं, दो तीन नेगेटिव साइड में बोलते हैं, तो आधा घंटे में काफी सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं जो कि रेडियो पे कई बार पॉसिबल नहीं होता। रेडियो पे एक ही आदमी बोलता है तो एक ही डायमेंशन उनको पता चलती है, तो एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर्स, रिवीजन, ये तीन की है पूरे एग्जाम की। देखो क्लास नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको वो चीजें करनी होती है जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। मैंने कोचिंग नहीं लिया था लेकिन मैंने कहीं से क्लास नोट्स अरेंज करे थे, मैं यहां से लेके गया था, घर पे जाके मैं पढ़ाई करी थी नोट्स की। तो क्लास नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्लास में आपको चीजें डिलीवर हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट पेपर्स। एक आपने वर्ड सुना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कोई चीज से अगर आप किसी चीज का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप उल्टा तो चल ही सकते हो कम से कम। ये हमेशा टेस्ट करने की चीजें नहीं होती, ये हमेशा ये कई बार सोर्स डिलीवर करने की चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जीएस स्कोर की कोचिंग है, उन्होंने कोई टेस्ट पेपर लिया, उन्होंने कोई टॉपिक दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या रीजंस हैं इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस टाइम में वो चीजें पता हो, क्योंकि अभी तो आपका टेस्ट ही हो रहा है ना। लेकिन आपने घर जाके पेपर का सॉल्यूशन पढ़ा तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे एक अच्छा खासा दो तीन पेजेस का मटेरियल मिल गया, वो मटेरियल से बैग तैयार कर लो। उसकी जरूरी तो नहीं ना पहले क्लास नोट्स पढ़ोगे उसके बाद अटेम्प्ट करोगे, डायरेक्ट उससे ही तैयारी कर लो। ये भी एक शॉर्ट तरीका होता है तैयारी करने का, आपका टाइम कम से कम होगा और डिलीवरी मैक्सिमम होगी इससे। मेरे जीएस पेपर टू और थ्री के जो पूरे नोट्स थे वो इतने में समराइज हो चुके थे लास्ट तक, काफी बड़े थे, फिर कम किया पूरे में इतने में समराइज हो गए। और जीएस टू और थ्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जीएस वन में काफी लोगों का स्कोर बराबर रहता है, और अभी जैसे मेरे को न्यूज मिली थी, मेरे फ्रेंड ने बता रहे थे डीओपीटी में, हो सकता है चांसेस हैं कि 2020 के बाद ऑप्शन हट जाए, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, तो मे बी देयर आर चांसेस। अगर उस केस में होता है तो भी जीएस की इंपॉर्टेंस तो हमेशा मेंटेन रहे ही रहेगी। तो ये चीज है। और तीसरी चीज है रिविजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन का मतलब हुआ, पहला रीजन है रिविजन का सोर्सेस का लिमिटेशन। अगर आप सोर्सेस को बढ़ाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक चीज को एक ही जगह से पढ़ो, ओनली वन सोर्स। हो सकता है किसी और जगह पे आपको दो तीन पॉइंट्स उसके एक्स्ट्रा मिल जाएं, लेकिन उनके पीछे भागो मत। ये 90% वाला एग्जाम है। जिन्होंने 90% कन्वेंशनल चीजें कर ली उनका काम हो जाएगा, जो लोग 10% एक्सट्रीम चीजों की तरफ भागने लग गए ना उनका काम नहीं होगा। कन्वेंशनल चीजें करो, 90% करो, 70% याद रहेंगे, 50% प्रोड्यूस कर लोगे, 40% मार्क्स आ जाएंगे, काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सोर्सेज का रिस्ट्रिक्शन। टॉपर सोर्स शेयर करते हैं, बहुत कॉमन सोर्सेज हैं, वही फॉलो करने हैं और लिमिटेड सोर्स फॉलो करने हैं। सेकंड थिंग, फास्ट रीडिंग। रिविजन का मतलब है कोई चीज अगर आपने स्टार्ट करी है तो उसको खत्म करो। ऐसा नहीं है कि दो तीन पेजेस पढ़े या दो चार बुकलेट पढ़ी उसके बाद लगा मैं बोर हो रहा हूं या बोर हो रही हूं, उसके बाद हमने पढ़ना छोड़ दिया। उसको कवर टू कवर फॉलो करो और फास्टली करो। फास्टली करोगे तो बोर नहीं होगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आदमी बोर हो जाता है नेचुरल है। तो रिविजन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल। काफी अच्छा ऑप्शनल है, स्कोरिंग है इसमें। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत होती नहीं है, और सिलेबस ही बहुत इसका लिमिटेड है। कुछ चीजें उनको फिक्स करनी है, वही चीजें कवर करनी है बस। इसमें एक्सपेरिमेंट हमको करना है। एक्सपेरिमेंट का मतलब वैल्यू एडिशन, डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं, केस स्टडीज लिखनी है। अगर ये चीजें आप कर पा रहे हो तो काफी अच्छे चांसेस हैं मार्क्स आने के। मैंने भी वही किया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था एंथ्रो का, लेकिन वो मेरे को फ्रूटफुल नहीं लगा। जॉब भी थी मेरी तो मेरे को वापस जाना पड़ा, वापस जाने की वजह से पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन उस कोचिंग में मेरे को दो तीन काफी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, उनके साथ रह के फोन से ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, चीजें शेयर करी और अच्छे खासे मार्क्स आए। वो मेरा रूम पार्टनर है, उसका भी इस बार क्लियर हो गया एग्जाम। तो एंथ्रो इज अ गुड ऑप्शनल टू कवर, और
सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा डेड सब्जेक्ट है, डेड सब्जेक्ट में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे एज लेना काफी मुश्किल होता है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम है तो यहाँ पे एज इजी ले ली जा सकती है सर। सो दिस वॉज माई जर्नी सो फार।